हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। मैं आगे चलता हूँ, पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग। ए फादर सेड हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर्स एज इज 38 नाउ, दिस सन्स एज 5 ईयर्स बैक वॉस। कैसा है, कॉम्प्लेक्स हो गया? को ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। फादर सेड टू हिज सन, है ना, फादर सेड टू हिज सन। हमारे पास एक फादर है, एक सन है, ठीक है। अब फादर सन से क्या कह रहा है कि I was as old as you are now at the time of your birth। मतलब सन की अभी जो उम्र है, मान लो 20 साल का सन अभी है, तो जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर 20 साल के थे, है ना। आज से 20 साल पहले जब सन पैदा हुआ था, बेटा जब हुआ था 20 साल पहले, उस समय फादर की एज क्या थी, 20। और अभी फादर की एज क्या हो गई है, प्लस 20। 20 साल पहले जब फादर को एक बेटा हुआ था उस समय फादर की एज 20 थी, और आज बेटे की एज 20 है। मतलब जितने एज फादर की थी बेटे के बर्थ के समय, उतनी एज बेटे की अभी है। हो रहा है ना, यदि 2000 में बेटा होता है, मान लो 2000 में बेटा अगर होता है और अभी 2020 आ चुका है, तो 2000 में फादर बोल रहे हैं मेरी एज 20 थी और सन की एज 2020 में 20 है। सन 2020 में यदि 20 साल का है, मतलब आज से 20 साल पहले जब बेटा पैदा हुआ था उस समय फादर 20 साल के थे, क्वेश्चन में यह दिया है, ठीक है ना। लेकिन फादर की एज अभी 40 नहीं है, 38 है ये, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह बात समझ में आ रही है, फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब जब बेटा हुआ था, बेटा मान लिया कि अभी 20 साल का है, जिस समय बेटा हुआ था, मतलब आज से 20 साल पहले, 2020 से 20 साल पहले, 2000 में फादर की एज 20 साल थी, तो बेटे की एज आज 20 साल है। फादर की एज आज क्या है, 20 प्लस 20, है ना। 2020 में 20 साल के थे, फिर 20 साल उस बात को बीत गए, मतलब अभी 40 साल की है। यह बात अगर क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहना है, अब हमें यह बस ये दोनों साल नहीं पता है तो हटा देते हैं हम लोग इसको। सन की एज भी नहीं पता है तो सन की एज को हम लोग ए मान लेते हैं हमेशा की तरह। सन की एज जब हमें नहीं पता होती है तो क्या कहते हैं, सन की एज को ए मान लेते हैं, है ना। तो आज से ए साल पहले, आज से कितने साल पहले, ए साल पहले, तो ये 20 की जगह ए आ जाएगा। आज से ए साल पहले फादर की एज ए थी, है ना। 2020 में सन ए साल का है अगर, तो सन का बेटे का, बेटे का जन्म कितने साल पहले हुआ था, ए साल पहले। ए साल पहले फादर की एज ए थी। रुको मैं साफ से लिख देता हूँ इसी चीज़ को, ध्यान से समझना, यहाँ समझने की बात है। बात अगर समझ में आ गई तो फिर सारी कहानी क्लियर है। अभी सन की एज ए है मान लेते हैं हम लोग, सन्स एज ए ईयर्स, है ना। सन वॉज बॉर्न सन कितने साल पैदा हुआ, पहले पैदा हुआ था, ए ईयर्स एगो, इतने ही साल ना। आज अगर सन 10 साल का है तो 10 ही साल वो पहले पैदा हुआ था, यदि सन 20 साल का है तो 20 साल पहले वो पैदा हुआ था, अगर सन 50 साल का है तो 50 साल पहले पैदा हुआ था। तो सन हमारा ए साल का है अभी। अब ए ईयर्स एगो फादर की उम्र, ए साल, ए ईयर्स, है ना। जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर की उम्र ए थी, क्योंकि सन की एज आज भी ए, आज ए है, आज जितनी सन की एज है उतनी एज फादर की थी जब सन पैदा हुआ था। तो फादर से एज नाउ
ए साल पहले बेटा पैदा हुआ था, उस बात को ए साल बीत चुके हैं, मतलब दो ए फादर की एज है अभी, है ना। सन की जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर की एज ए थी और उस बात को ए साल बीत चुके हैं तो फादर की एज 2A हो गई। और क्वेश्चन में ये दिया है 38 ईयर्स है, मतलब हमें दिया है 2A इज इक्वल टू 38, आराम से हमारा A इज इक्वल टू 19 ईयर्स आ गया। आया A 19 ईयर्स, कितने आराम से आ गया। अगर ये सारी कहानी समझ में आ रही है तो A 19 ईयर्स आना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कहानी को समझना है। A आज 19 ईयर्स है, मतलब सन आज कितने साल का है, सन से एज इक्वल टू 19 ईयर्स, और फटाफट 19 में मार देना, ओ सेट 19 नहीं है ऑप्शन में। पूछा गया है सन की एज 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल कम थी अभी से, 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14 ईयर्स, यही है ना। यदि 19 होता यहाँ पे 9 की जगह पे तो खूब आराम से 19 मार देते, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The sum of the present ages of father and the son is 60 years. फिर से फादर सन आ गए हैं। 5 years ago, father's age was 4 times the age of the son. Son's age now will be. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो बात पूरी है। यह थोड़ा सा आसान है वैसे। हमारे पास एक फादर है, एक सन है, दोनों की एज को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 60। यही दिया है ना, प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 इयर्स। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहां तक। 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले फादर की एज क्या थी, अभी से 5 साल कम थी, और सन की एज क्या थी, सन की एज भी अभी से 5 साल कम थी। दोनों ही 5 साल में, 5 साल बूढ़े हुए हैं, 5 साल बड़े हुए हैं या 5 साल बूढ़े हुए हैं, जो एक बार एक ही बात है दोनों। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हम बड़े होते हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले दोनों की एज ये थी, फादर की एज एफ माइनस 5 अभी से 5 साल कम, सन की एज एस माइनस 5 अभी से 5 साल कम। 5 साल पहले और क्या दिया है, फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स द सन्स एज, मतलब सन की जो एज है इसको यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह किसके बराबर आएगा, फादर की एज के बराबर। इजिकल टू एफ तो नहीं ना लिखना चाह रहे हो, किसी के दिमाग में आ रहा है एस इन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से एफ आएगा। जिनके भी दिमाग में ऐसा आ रहा है ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फादर की एज 5 साल इतनी थी और उस समय सन की एज इतनी नहीं थी, तो उसी समय की बात है कि फादर सन से 4 गुना थे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने बेटे से 4 गुना बड़ा हूँ, मतलब आज की डेट में मैं 4 गुना बड़ा हूँ ना, ये नहीं कि 5 साल बाद 4 गुना बड़ा हो जाऊँगा, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। जैसे कहा 5 साल पहले वो 4 गुना था, मतलब 5 साल पहले जो फादर है वो 5 साल पहले जो बेटा था उससे 4 गुना है। कोई एस माइन एस इंटू 4 भी मत करने की सोचना यहाँ पे, एस इंटू 4 भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ये एस इंटू 4 भी गलत है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक सुंदर सा इक्वेशन बन गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि हमारे पास वेरिएबल हो गए हैं दो, एक एफ है और एक एस है। इसको सॉल्व करना तो हमने अब तक सीखा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये इसको दो वेरिएबल वाले हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पर अभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। ठीक है ना, तो हमारे पास यह एक सुंदर सा इक्वेशन है, एफ माइनस 5 इज इक्वल टू एस माइनस 5 इंटू 4। हमें निकालनी है सन की एज, तो हम लोग यहाँ से फादर की एज निकाल सकते हैं क्या, इस इक्वेशन से फादर की एज निकल सकती है क्या। हम लोग लिख सकते हैं फादर की एज एफ इज इक्वल टू
टी माइनस एस, ये तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में। एफ इज इक्वल टू 60 माइनस एस, ऐसा लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये 60 माइनस एस जो है, ये एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ सब पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 60 माइनस एस माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ अब मैं, 4s माइनस 20। अब तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, अब तो बन जाएगा। अब हम लोग इस s को राइट साइड ले आते हैं, इस 20 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 60 माइनस 5 माइनस के बाद ये 20 प्लस में आ गया, इज इक्वल टू 4s प्लस s इज इक्वल टू 5s। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 5s इज इक्वल टू 60 माइनस 5 55 प्लस 20 75। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 15, 75 बाई 5 15। सन की एज पूछी गई है, सन की एज आज आज सन की एज s ही लिए थे हम लोग स्टार्टिंग में, 15 साल हमारा आंसर है 15। समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन में मेन पार्ट है क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना, अगर यह समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझो बन गया। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इक्वेशन एक बार बन गया तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है।